हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है और इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इन चीजों को डिस्कस किया था। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक स्पेशल टाइप के कैपेसिटर को, जिसका नाम क्या है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है सबसे सिंपलेस्ट कैपेसिटर है, जो सबसे वाइडली यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज में आने वाला और सबसे सिंपलेस्ट कैपेसिटर होता है, जिसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप का होता है। इसमें दो लार्ज प्लेन और पैरेलल प्लेट्स होता है, ठीक है, ये और ये, जहां पे दोनों क्या है, ऑपोजिटली चार्ज है। दोनों में ऑपोजिट चार्ज कितना है, एक में है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू और दूसरा प्लेट नेगेटिवली चार्ज माइनस क्यू। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। प्लेट का एरिया क्या है, प्लेट का इच प्लेट का एरिया है ए, और दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है क्या है, डी। इन चार टर्म्स को ए क्या है, तो दोनों प्लेट का एरिया है, बी क्या है, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है, सिग्मा क्या है, तो दोनों प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और क्यू क्या है, तो दोनों चार्ज का, दोनों प्लेट का में चार्ज है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। हम जानते हैं कि सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, तो क्यू बाई ए, तो हम लोग डेफिनेटली क्यू को क्या लिख सकते हैं, तो सिग्मा ए लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, प्लस माइनस क्यू इक्वल टू प्लस माइनस सिग्मा ए। अभी हम लोगों को क्या करना है, इसके कैपेसिटेंस के डेरिवेशन, कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है। एक्चुअली इसमें तीन रीजन है, इसको हम लोग बोलेंगे रीजन वन, ये है रीजन टू और ये है रीजन थ्री, ठीक है। तो रीजन वन में कितना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर दो दो इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज प्लेट है, तो रीजन वन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। चूंकि रीजन वन में क्या होगा कि दोनों प्लेट, क्योंकि दोनों प्लेट क्या है, इक्वल और ऑपोजिट चार्ज है, तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट ही होगा, पर दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। रीजन वन मतलब कि अबाउट द फर्स्ट प्लेट, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण यहां पे रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहां पे रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। रीजन टू में इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसके कारण भी डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, टू एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से दोनों क्या हो जाता है, एड अप हो जाता है, और जो रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सिग्मा बाय, दोनों का ऐड करेंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होगा। अबव द फर्स्ट प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जस्ट बिकॉज ऑफ इक्वल ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट। बिटवीन द टू प्लेट्स कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और रीजन थ्री में यही केस ये होता है, क्या सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट इक्वल ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स रीजन वन और रीजन थ्री के हमने क्या, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, लेकिन रीजन टू में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर। अभी हम लोग जानते हैं कि इसके बीच ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों को पता है और दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस का पता है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन, क्या पढ़ा हम लोगों ने कि E इक्वल टू वी बाई डी, ना इक्वल टू माइनस डीबी बाई डी आर, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स क्या है, तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट
into D. Sigma epsilon naught into D. अभी ये तो आया एक्सप्रेशन किसका, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। अभी इसके बाद हम लोगों ने इसका, चूंकि हम लोगों को क्या करना है, इसका कैपेसिटेंस को कन्वर्ट करना है, तो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन क्या होगा, सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। क्यू हम लोगों ने पहले ही लिख रखा था, क्या था, तो सिग्मा ए के बराबर सरफेस चार्ज डेंसिटी इज मल्टीप्लाइड विद एरिया ऑफ ईच प्लेट बाई वी। वी क्या आया हुआ था, सिग्मा डी बाई ये एप्सिलॉन नॉट, तो डेफिनेटली इस एप्सिलॉन को हम लोग क्या कहा लिख सकते हैं, ऊपर ले जाकर लिख सकते हैं, और यहाँ पे सिग्मा सिग्मा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये एक्सप्रेशन होता है किसका, तो कैपेसिटेंस का, किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का, क्या आएगा, सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहां से पता चलता है कि पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है, वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो क्या होगा, वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, प्लेट का एरिया जितना ज्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा, प्लेट के बीच का सेपरेशन जितना कम होगा, ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना कम होगा, मतलब इसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, और उसके बीच के परमिटिविटी पे, ये पर इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किस पे, एरिया पे, डी पे और एप्सिलॉन नॉट पे, मतलब कि इसको सेपरेट करने वाला ये जो डिस्टेंस है इसके में कौन सा मीडियम भरा हुआ है, इस मीडियम के परमिटिविटी पे, इसके नेचर पे भी डिपेंड करता है क्या, तो इसका कैपेसिटेंस, इसे एस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। अभी अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स।